साइबर पर एक छोटा सा पैरा है जिसको इन फ्यूचर हम इसको ऐसे में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा पैरा। प्रगति और विकास एक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रगति से आपका वाक्य शुरू होगा, देखिए प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रगति शुरू कहाँ से होगा, एंड कहाँ होगा, ग्रामर कहाँ आएगी, वोकैब कहाँ आएगी, यही आपकी जंबलिंग करती है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। आप सोचिए कोई चमत्कार है, इसका कोई चमत्कार नहीं है, डे बाय डे प्रैक्टिस का मैटर है और कुछ नहीं। तो देखिए एंड विकास एंड डेवलपमेंट, अब ये दो चीजें हैं और है का सेंस लेकर आ रही हैं, तो नेचुरल है यहां पर आर आएगा, यहां पर आर आएगा, अकेला होता तो इज आ जाता। क्या है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट? आर जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार, इनबॉर्न राइट, इनबॉर्न राइट किसके हैं? एक इंसान के, एक मानव के, ऑफ ए ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग भी कह सकते हो, ह्यूमन फ्लैश भी कह सकते हो। छोटा सा एक हमारा आर्टिकल है जो साइबर क्राइम को शो कर रहा है, साइबर क्राइम पर हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, आने वाले समय में इसका लॉन्ग प्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर? पहली लाइन, आपने क्या सोचा? आपकी सोच को और इसी सोच को आपस में टकरा दीजिए, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ ये गलत है, यही हमें देखना है। आगे चलिए, आगे क्या कहता है? विज्ञान और आविष्कार इस प्रगति के लिए महत्वपूर्ण अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। विज्ञान साइंस, वो कहेगा वैसे ही करना है, साइंस। एंड दूसरा कहता है इन्वेंशन, जो भी आविष्कार हैं, इन्वेंशन हो गई साहब, निभाते हैं, बताइए क्या आएगा? निभाते हैं, कौन सा रूम कवर होगा, मेरे को बस इतना सा बता दो, ये हमारे पास 12 रूम थे, कौन सा रूम कवर होगा, यही हमें प्रैक्टिस करनी है, बताइए कौन सा रूम कवर करें? फर्स्ट आएगा V1 को लें या V5 को लें? V5 आएगी यहाँ पर या V1 आएगी? साइंस और इन्वेंशन दो हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल होगा तो V1 आएगा। क्लियर? प्ले प्लीज नहीं आएगा, बहुवचन है ना, राम एंड श्याम वाली बात हो गई। प्ले क्या निभाते हैं? महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भूमिका, महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट, प्ले सिग्निफिकेंट, सिग्नी और फिफिकेंट कर दो, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, प्ले सिग्निफिकेंट। दूसरी कहता है अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक, एक अच्छा वर्ड आ रहा है, इनएविटेबल, इनएविटेबल रोल, अपरिहार्य, अपरिहार्य भूमिका। ये भूल जाएं तो आप एसेंशियल भी काम चला सकते हैं, ये सर याद ही नहीं आया, तो एसेंशियल से भी काम चला सकते हैं, एसेंशियल रोल, अपरिहार्य भूमिका। दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर दो, क्योंकि किसी भी ऐसे में उतार देंगे, दोनों ऐसे किसी भी ऐसे में उतार देंगे, अपरिहार्य रोल। क्लियर? सिग्निफिकेंट एंड इनएविटेबल या एसेंशियल रोल, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साइंस और इनोवेशन डबल है इसलिए V1 आया, खाली साइंस होता तो प्लेज आ जाता। क्लियर? चलो आगे। विज्ञान मानव जीवन के लिए चमत्कार के समान है, फिर साइंस को बुलाया, विज्ञान मानव जीवन, साइंस इज अकिन टू, अकिन टू का मतलब के जैसा, अकिन के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, अकिन टू ए मून, एक चमत्कार के समान है मानव जीवन के लिए, फॉर ह्यूमन लाइफ, फॉर ह्यूमन लाइफ। हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर वोकैब और प्रॉपर कंटेंट को घुमाना है, लेकिन इस ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। आप सोचो इम्पॉसिबल है, नहीं, आप सोचो चमत्कार है, वो भी नहीं। साइंस इज अकी टू ए बून फॉर ए ह्यूमन लाइफ, ये मानव जीवन के लिए एक चमत्कार के समान है, के जैसा है। और फिर चला, मगर बिना कांटों के हम फूलों की कल्पना नहीं कर सकते, कर सकते,
यहाँ पर टेंस नहीं, यहाँ पर आपका मॉडल काम में आएगा, कैन नॉट। यहाँ पर आपको कांट यूज करना पड़ेगा क्योंकि मॉडल है। वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन, हम कल्पना नहीं कर सकते। किसकी कल्पना नहीं कर सकते? फूलों की, फ्लावर्स, फ्लावर्स विदाउट, बिना कांटों के, विदाउट थॉर्न्स। आराम से बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यही आपका बेस बनाएगी सक्सेस का। वी कैन नॉट इमेजिन फ्लावर्स विदाउट थॉर्न्स, हम बिना कांटों के फूलों की कल्पना नहीं कर सकते। यानी जहाँ प्रोज है वहाँ कौन जरूर होगा, जहाँ चंदन है वहाँ शाम जरूर होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस जरूर होगा। ये प्रकृति का एक नियम है, इनएविटेबल, अपरिहार्य, जिसको टाला ना जा सके, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। बढ़िए आगे, ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, बिल्कुल अटल। दिस इज एन लगाएंगे क्योंकि आगे ई वाला कोई वर्ड आ रहा है। This is an eternal rule of life. Eternal pure हिंदी में बोलेंगे शाश्वत। Eternal का मतलब बिल्कुल शाश्वत है। Progress and development are inborn right of human being. Science and invention play significant and inevitable essential role. Science is akin to a boon for human life. We cannot imagine flowers without thorns. This is an eternal rule of life. Shashwat ya atal, yani jab tak dharti pe suraj aur chand eternal hai, hamare karma eternal hai, lekin hamari body eternal nahi hai. Eternal ka matlab shashwat, चिरस्थाई, परमानेंट, जो धरती पे हमेशा रहेगा, दैट इज इटर्नल। आगे बढ़िए, साइबर अपराध पूरे विश्व के लिए, किसके समान ये अपराध कैसे आ गया? ये अपराध नहीं है, यहाँ पर चुनौती कर लो, एक चुनौती के समान है। साइबर क्राइम समान के लिए, यहाँ पर आपने अकिन टू लिखा, मैं वर्ड को चेंज कर रहा हूँ, टेंटामाउंट टू ए चैलेंज, एक चुनौती है। साइबर अपराध एक चुनौती है पूरे विश्व के लिए, प्रपोजिशन फोर लगाएंगे, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। कुछ भी नहीं है जो वो वोकैब और ग्रामर आपकी शानदार है और जंबलिंग करना आता है आपको स्पीडली, बहुत चीज इजी है, लेकिन प्रैक्टिस से होता है डे बाय डे। Not a miracle, just matter of practice. Cyber crime is tantamount to, is और लगाएंगे है, tantamount to, और ये akin to एक जैसा word है, akin to और tantamount to के जैसा, उसके जैसा, akin के साथ भी preposition to आएगा, tantamount के साथ भी preposition to आएगा। आगे क्या कहता है देखिए आप, इस विवश अपराध ने पूरे विश्व को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है। लाइन को दो बार पढ़ लो आप हिंदी में, क्योंकि जब तक आप हिंदी में उसको पढ़ोगे नहीं, वो आपको ग्रामर डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। जकड़ लिया है इस विवश अपराध ने, हमारे पास ये 12 रूम चल रहे हैं, किसको उठाना है वो हमें वर्ब बताएगी, कैसे बताएगी अभी बता देती है। इस विवश अपराध ने, This heinous crime या offense जो भी है, heinous है, This heinous crime, बताइए कौन सा टेंस यूज करें यहां पर, बताइए कौन सा टेंस यूज करें, जकड़ लिया है, जकड़ चुकी है, काम कंप्लीट कर लिया है, थर्ड में जाएंगे, कहां जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, जकड़ लिया है, जकड़ लिया है, ग्रिप यानी पूरी तरह ग्रिप में ले लेना, थर्ड फॉर्म में आप हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूम नंबर थर्ड। ग्रामर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया करो,
दिस हिनस क्राइम हैज ग्रिप, क्योंकि वॉकअप तो क्या आएगी, वो तो वहां पर आपका प्रेजेंटेशन है, क्या दिमाग में पैदा होगा। एंड ग्रामर, ग्रामर कभी वही रहती है। द हिनस क्राइम हैज ग्रिप्ड, किसको ग्रिप किया है, पूरे विश्व को, द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व को जकड़ रखा है, नॉट इंडिया, एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, किसकी तरह है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की तरह है, लाइक, लाइक के बाद हमेशा वर्ड आएगा, एस नहीं आएगा यहाँ पर, लाइक एन ऑक्टोपस, जैसे ऑक्टोपस आठ भुजाओं में जकड़ लेता है, ये एक अच्छी कंपेरिजन है, लाइक एन ऑक्टोपस। दिस हेनस क्राइम हैज ग्रिप्ड, जकड़ लिया है, द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व को जकड़ रखा है, लाइक, लाइक के बाद हमेशा शब्द आता है, ये ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक के बाद हमेशा वर्ड्स आएंगे, कभी पूरा सेंटेंस नहीं आएगा। इसका एक भाई है एज, वो हमेशा सेंटेंस बुलाता है, वो बाद में बात करेंगे, आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो सेंटेंस ने क्या कहा, दिस हिनस क्राइम हैज ग्रिप्ड द एंटायर वर्ल्ड लाइक एन ऑक्टोपस, पूरी तरह जकड़ लिया है, और ये घिनौना अपराध विश्व की शांति और मजबूत अर्थव्यवस्था को निकल रही है। कहाँ जाएगा फिर घिनौना अपराध को, बुलाओ, दिस, घिनौने का वर्ड चेंज कर दो, ऑडियस, ऑडियस क्राइम लिख दिया, सब्जेक्ट तो शुरू कर दिया, टेंस को बुलाओ, कौन से टेंस में लिखेंगे, रूम नंबर टू, निकल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस, एक्टिव और आएगी क्योंकि पैसिव का तो अभी हमें आता ही नहीं है, इज लगाया, इज लगाया तो हम एक्टिव वॉइस में, आपने कहा तो आईएनजी लगाओगे, गल्पिंग, निगल रही है, गल्प कर रही है, गल्पिंग, निगलना, निगल रही है, देश, ओडियस क्राइम, ये घिनौना अपराध निकल रहा है, किसको, विश्व की शांति को, पीस ऑफ वर्ल्ड, विश्व की शांति को, पीस ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व की शांति है उसको, एंड और किसको निकल रही है, मजबूत अर्थव्यवस्था को, रोबस्ट, रोबस्ट को याद नहीं आ रहा तो स्ट्रांग भी चल जाएगा, स्ट्रांग इकोनॉमी। पहला सेंटेंस आपने हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा, दूसरा सेंटेंस आपने इज एम आर बी फोर में लिखा, क्योंकि आप कह रहे हो निकल रहा है, इज प्लस बी फोर, हैज प्लस बी थ्री फर्स्ट में गया। रोबस्ट का सिमिलर वर्ड स्ट्रॉन्ग है, हेनस का सिमिलर वर्ड ओडियस है, हैज प्लस बी थ्री थर्ड फॉर्म रूम में रहता है, इज प्लस बी फोर सेकेंड रूम में रहता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं, पैसिव अभी आई नहीं है क्योंकि आती नहीं है, इसलिए एक्टिव में सेंटेंस चल रहे हैं। फिर वह रातों रात अमीर बनने के लिए लोगों के पैसे निकाल लेता है, वो जो अपराधी है ही, किसका, कहा लिख दिया ना, क्लियर, यहाँ पर विश्व को लिख दिया पढ़ने, दिस इज गलिंग पीस ऑफ वर्ल्ड, द वर्ल्ड एंड रोबस्ट इकोनॉमी, विश्व की शांति, वो रातों रात अमीर बनने के लिए पूरे विश्व को धोखा देता है, साइबर अपराधी, ए साइबर क्रिमिनल, वो धोखा देता है पूरे विश्व को, साइबर क्रिमिनल, धोखा देता है, कहाँ लिखेंगे, धोखा देता है वो किसमें, थर्ड में तो दे चुका है, धोखा देता है, उसकी रूटीन है, आदत है, फर्स्ट में आएगा, बी वन आएगा कि बी फाइव आएगा, वी वन आएगा, ये साइबर क्रिमिनल क्या करता है, चीट्स करता है वो, चीट्स या दूसरा वर्ड भी कर लो ड्यूप्स, ये भी इसी के साथ आता है, चीट्स और ड्यूप्स, किसको करता है, पूरे विश्व को, द एंटायर वर्ल्ड, क्यों देता है, उसकी वजह लेकर आइए, कर दिया द एंटायर वर्ल्ड, टू, वजह है रातों रात अमीर बनने के लिए, कि इधर मैंने क्लिक किया उधर करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो गए, ये साइबर क्रिमिनल चीट्स और ड्यूप्स द एंटायर वर्ल्ड, टू, प्रेस बताइए रातों रात अमीर बनने की, मेक ए क्विक बक, एब्सोल्युटली राइट, मतलब स्ट्राइक इतनी तेजी से होना चाहिए कि सोचना ना पड़े, मेक ए क्विक बक, बक कहते हैं पैसे को,
एक ही रात में अमीर बन जाऊं, ऐसी टेंडेंसी लेके चलना है जो क्राइम से संभव है या ब्राइब से संभव है या रैंसम से संभव है और सीधे वे में तो संभव ही नहीं है, तो मेक एक क्विक बक रातों रात अमीर बनना। तो एक साइबर क्रिमिनल धोखा देता है, प्रेजेंट परफेक्ट आया आपका थर्ड से, इस प्लस बी फोर आया सेकंड से और ये आया आपका फर्स्ट से। यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्शन बराबर चलना चाहिए। मेक ए क्विक बक, फिर कहानी जाती है, वह रातों रात अमीर बनने के लिए लोगों के पैसे निकाल लेता है, फिर निकाल लेता है। ही विड्रॉज बल्कि पांचवी फॉर्म में, ध्यान से देखना, बी फाइव है, ये भी बी फाइव है, क्यों, वो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ही विड्रॉज किसके, लोगों के पैसे, द पीपल्स मनी, पीपल, और इसके बाद एपोस्ट्रोफी आएगी क्योंकि आपकी सजीव संज्ञा है, इसको लिखते वक्त थोड़ा सा ढंग से लिखें, मनी ऑफ द पीपल नहीं करेंगे आप, पीपल्स मनी करेंगे। पीपल्स मनी, वो लोगों के पैसे निकाल लेता है, ही विड्रॉज द पीपल्स मनी, वो लोगों के पैसे निकाल लेता है वही रातों रात अमीर बनने के लिए। टू मेक ए क्विक बक, या इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए, तो यहाँ पे एक फ्रेज और लगा सकते हैं आप, लिव इन क्लोवर, तो ये फ्रेज दोबारा रिपीट हो रही है, अच्छी नहीं लग रही। लिव इन क्लोवर, लिव इन क्लोवर का मतलब होता है ऐशो आराम का जीवन जीना, ऐशो आराम, वही मतलब वही है, कैसे घुमा लो बात को, ऐशो आराम का जीवन जीना, सिर्फ लिखने का फर्क आया है, सेंस वो कब वही है, लेकिन एक फ्रेज डबल बार लिखे अच्छा नहीं लगता, कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट। एक आम आदमी के इधर कुआ उधर खाई है, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी है, वो यदि नेट बैंकिंग को यूज करे तो फंसा, नहीं करे तो मरा, दोनों की तरफ इधर कुआ उधर खाई। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के इधर भी प्रॉब्लम उधर भी प्रॉब्लम, नेट बैंकिंग को यूज नहीं करे तो प्रॉब्लम में है, ATM, Paytm, फोन पे, गूगल पे यूज नहीं करे तो प्रॉब्लम, करता है और OTP चोरी हो जाता है तो प्रॉब्लम, इज ए कॉमन मैन इज, बताइए इधर कुआ उधर खाई, इधर भी प्रॉब्लम उधर भी प्रॉब्लम, दो इक्वल प्रॉब्लम में फंस जाना, लेफ्ट में भी प्रॉब्लम राइट में भी प्रॉब्लम इज, ये फ्रेज आप काफी एसेज में काम में लेंगे जब आप लिखेंगे, जैसे हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इधर कुआ उधर खाई, मोबाइल नहीं दें तो प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि स्टडी आजकल मोबाइल से होती है, लैपटॉप से होती है, देते हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम, अब नहीं दें उससे भी काम नहीं चल सकता है, देता है तो डाइवर्ट होने की संभावना, तो इधर कुआ उधर खाई। ए कॉमन मैन इज, बहुत अच्छे से, बिटवीन ए डेविल एंड डीप सी, ऐसे नहीं इधर कुआ बैल कर दिया उधर खाई यानी डिच कर दिया। डेविल किसको कहते हैं, शैतान को, इधर तो शैतान खड़ा हुआ है और उधर आपका समुद्र है, सागर है, अब इधर गए तो भी मरना है, इधर आए तो भी मरना है, मतलब नुकसान तो निश्चित है, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। प्रॉपर समझना है आपको बहुत अच्छे से, कहां क्या आ रहा है, कहां फ्रेज आ रही है, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ऐसी राइटिंग की आप मालिक बन गए, बहुत एडिटोरियल लेवल में आ जाएंगे आप। ए कॉमन मैन इज बिटवीन ए डेविल एंड डीप सी, इसके इधर कुआ है उधर खाई है, क्यों, नेट बैंकिंग पेटीएम एटीएम हम लोग भी यूज ना करें तो फंसे, करते हैं तो प्रॉब्लम है। दूसरी ओर साइबर अपराधी कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ठीक है, बोले बिगाड़ लो, जब पल्ली कहता है बोले हाँ करा FIR, बोले मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करा दे, बोले क्या बिगाड़ लेगा, पकड़, पुलिस को ही कहते थे पकड़, कहाँ आ जा मेरे पास, नहीं ये पकड़ सकता। दूसरी ओर ऑन अदर हैंड, इसके दूसरी ओर ऑन अदर हैंड यानी सेकेंड बात, क्या एक साइबर अपराधी, एक साइबर क्रिमिनल
बड़े आराम से क्या आएगा, बस वो क्वेरी पैदा रखो। आपको नहीं आता, आता अभी कहाँ से आएगा, अभी तो आप स्टार्टिंग पोजिशन में। इस साइबर क्रिमिनल झोंक रहा है भैया, रूम नंबर सेकंड में जा, झोंक रहा है रूम नंबर सेकंड इज, झूल झोंक रहा है, सीधी फ्रेज आएगी क्योंकि वर्ड तो इसका है नहीं। थ्रोविंग डस्ट, डस्ट कहते हैं धूल को, थ्रोविंग डस्ट इनटू, अब देखो कितनी अच्छी फ्रेज है, पुलिस आईज। यहां पर वो व्यक्ति लिख देंगे जहां पर आप जो है जिसकी भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जैसे 11th 12th के बच्चे अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंकते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और वो गायब हो जाते हैं, बंक कर जाते हैं। इट मे बी पॉसिबल टीचर्स की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, थ्रोविंग डस्ट इनटू टीचर्स आई। आपकी फ्रेज आई बिटवीन डेविल एंड डीप सी, आपकी फ्रेज आई थ्रू डस्ट इनटू समबडीज आई। डेविल कहते हैं शैतान को, डीप सी कहते हैं समुद्र को। इधर शैतान खड़ा हुआ है, उधर समुद्र है, दो इक्वल प्रॉब्लम में फंस गया। तो इस पैरा में आप फ्रेजेस देखिए, मेक ए क्विक बक, रातों रात अमीर बनना, बिटवीन डेविल एंड डीप सी, इधर कुआ उधर खाई, थ्रोविंग डस्ट इनटू पुलिस आई, पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, ग्रिप जकड़ लेना, रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मजबूत अर्थव्यवस्था। चीट का सिमिलर वर्ड ड्यूप है। विड्रोज क्यों आया, विड्रोज की तीनों फॉर्म लिख लो, पानी निकालना या पैसा निकालना। विड्रो इज द फर्स्ट फॉर्म, अब जब भी आप बैंक से पैसा निकालें ये वर्ड याद करना है। विड्रू इज द सेकेंड फॉर्म एंड विड्रॉन इज द थर्ड फॉर्म। ये थोड़ी अजीब सी फॉर्म है तो इनको लिख लिया करो, क्योंकि लिखते वक्त हाथ को स्लिप करवा देती है, माइंड को स्लिप करवा देती है। ए साइबर क्रिमिनल चीट्स और ड्यूप द एंटायर वर्ल्ड टू मेक ए क्विक बक, ही विड्रॉज द पीपल मनी टू मेक ए क्विक बक, लिव इन क्लोवर, ए कॉमन मैन इज बिटवीन ए डेविल एंड डीप सी। ऑन अदर हैंड इस साइबर क्रिमिनल इज थ्रोविंग डस्ट इनटू पुलिस आई, आंखों में धूल झोंक रहा है। क्लियर, आइए ऑब्जेक्टिव पर। मोबाइल खोल लीजिए, पेपर हार्ड कॉपी मेरे पास है, मोबाइल खोल लीजिए और मैच करिए आज की आंसर शीट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यू यमी फूड या ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल, आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है आपको यमी फूड यानी स्वादिष्ट भोजन, क्या कह रहे हो, ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ उसी में है ना, तो आंसर बताएंगे तो ये तो दो मेरे को, सोल्व है ना, सोल्व है ना, सोल्व कर दिया, सोल्व दो, सोल्व तो दो आधी, ये नहीं, ये वाला तो मैंने करवाया है, इस वाला तो चेक ही नहीं करना, मैं 20 क्वेश्चन चेक करूंगा उसी की नंबरिंग दूंगा। किसी और के पास है पेपर, चलिए ठीक है। यू यमी फूड या ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर हैज नॉट, किसके कारण आया, यट के कारण। क्लियर, यट रूम नंबर थर्ड में रहता है, जिसका नाम है अभी तक, उस काम के लिए आएगा जिसके पूरे होने की आशा तो थी मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यट कहां से पैदा होगा, रूम नंबर थर्ड से। आयु के साथ है, सॉरी मेरे को गलत रह गया, लेकिन रूम नंबर थर्ड यू के साथ है वो आता है, बिल्कुल सही है। क्या आएगा, यट रूम नंबर थर्ड में आएगा, हैव नॉट आएगा और यट है आपका एडवर्ब, उस काम के लिए आएगा जिसके पूरे होने की आशा तो थी मगर पूरा नहीं हुआ है। सेकंड पर आइए, यमी फूड, ये तो हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन यानी आंसर नंबर बी। क्लियर, आई हैव परजर्ड, परजर्ड यानी झूठी गवाही देना, मैंने झूठी गवाही दे दी है, इन जैपैक कोर्ट, खचाखच भरे न्यायालय में, मैंने झूठी गवाही दे दी है खचाखच भरे न्यायालय में, लेट है, लेटली है, लेटली आएगा अभी अभी, लेटली आंसर आएगा अभी अभी, मैंने अभी अभी आपको अभी अभी झूठी गवाही दी है, तो जिनका लेटली आंसर है बिल्कुल सही है।
नहीं को नहीं, वो तो मेरे पास है ना। चलो फिर मैं कर दूंगा, अभी टाइम खराब होगा, लेकिन मैं चेक कर दूंगा, बाकी किसी ऐसा कर लेंगे। इट इज द ट्रूथ, ये सच है। द डेथ एट एवरीबॉडी डोर वन डे, दिस इज एवरलास्टिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ। एवरलास्टिंग का मतलब है शाश्वत, जो आपने भी किया था इसका इटर्नल, उसी का भाई है एवरलास्टिंग, शाश्वत। इट इज द ट्रूथ, क्या किया आपने? नॉक्स किया। नॉक्स का मतलब होता है, नॉक्स का मतलब खटखटाना। किसके कारण आया? फॉर रूम नंबर फर्स्ट कारण क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यस, एचपी का सम, सार्वभौमिक सत्य होने के कारण यहां पर क्या आया? नॉक्स आया। माय थीस्ट मदर, मेरी आस्तिक माँ, टू टेम्पल एवरी डे डेस्पाइट कैश एंड डॉक्स ने, मेरी आस्तिक माँ, मेरी जो आस्तिक माँ थी, मामा है, वो मंदिर जाती है रोजाना मूसलाधार बारिश के बावजूद। क्या आएगा? गोज। किसके कारण? हैबिचुअल एक्ट। रूम नंबर वन, द पुलिस हिम बिफोर फ्लैड स्पोर्ट, बिफोर आ गया। भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी, जो घटना पहले समाप्त होगी वो वर्क की थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, हेड ग्रिल। अच्छा, यू ऑफ ल्यूनेसी टू ब्लफ द लो, ल्यूनेसी का मतलब पागलपन, ब्लफ यानी चकमा देना। नाउ, नाउ आ गया, इसलिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू आर, यू आर प्रिटेंडिंग, तू बहाना बना रहे हो, तुम बहाना बना रहे हो पुलिस पागलपन का, पुलिस को चकमा देने के लिए। नाउ के कारण आपको रूम नंबर सेकंड में जाना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आंसर उठाना है। यू के साथ आर आएगा, सी ए इज द राइट आंसर। द पुलिस हिम बिफोर द फ्लैड स्पोर्ट, भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी, जो घटना पहले समाप्त हुई वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ग्रिल का मतलब होता है कड़ी पूछताछ करना, ग्रिल का मतलब होता है कड़ी पूछताछ करना। आगे आइए, यू टू गेट डिजी हाइट डेस्पाइट योर पॉवर्टी, यू डिजी हाइट ऊंचा पद, पॉवर्टी गरीबी। यहां पर आपको स्टिल को यूज करना है कि स्टिल कौन से टेंस में आए, तो स्टिल रहता है रूम नंबर सेकंड में। यू आर स्टिल टॉयलिंग, ए इज द राइट आंसर। तुम अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हो अपना ऊंचा पद पाने के लिए गरीबी के बावजूद। नाउ इट इज द पुअर बिकमिंग पुअर एंड पुअरर ड्यू टू डीएनएस एरा, आजकल गरीब और गरीब हो रहा है महंगाई के युग के कारण। क्वेश्चन आया नाउइडेज के पास, नाउइडेज कहता है रूम नंबर सेकंड, रूम नंबर सेकंड द पुअर के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है, आर आएगा। पुअर के साथ इस मत कर देना कि पुअर एक पूरी कैटेगरी है, इसका दिया तो गलत है। पुअर पूरा गरीब वर्ग आ गए, पूरा वर्ग को शो कर रहा है, तो पुअर आर आएगा। यहां पर थोड़ा टेक्निकल माइंड यूज करना है, क्लियर? चले आगे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर आपका एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर उबलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ए बॉइल्स इज द राइट आंसर। और आगे का पढ़ लो, यू शुड होल्ड वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम, होल्ड वाटर आपकी एक फ्रेज है, खरा उतरना, होल्ड वाटर का मतलब होता है खरा उतरना। हो सकता है ये कभी क्वेश्चन बना जाए। फिर चलिए, वास्को डी गामा इंडिया डेस्पाइट टू मैनी ऑब्स्टेकल्स, ये मैं बढ़ा देता हूं ताकि वोकैब बढ़ती रहे, काफी बाधाओं के बावजूद भी, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, टू मैनी का मतलब बहुत सारी, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, ये तो इससे दोस्ती कर लो भाई, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। अब आ जाइए ओरिजिनल पर, क्या आएगा? भूतकाल की स्टैंडर्ड घटनाएं कहां जाती है? रूम नंबर
पांच में जाती हैं, इसलिए ए आंसर आएगा डिस्कवर। भूतकाल की स्टैंडर्ड घटना है, ऐतिहासिक घटना है, इसलिए जाएगी रूम नंबर पांच में। ए इज द, चाहे 5000 साल पुरानी है, चाहे 200 साल पुरानी है, चाहे 400 साल पुरानी है। हाँ मैं कहता मैंने खोज की थी तो फिर हेड आएगा, क्योंकि मैं कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने खोज की थी या मैंने ऐसे किया था, वो हो सकता है हेड प्लस V3 में जाए, लेकिन ये कहां जाएगी V2 में। माय ल्यूनेटिक ब्रदर, मेरा पागल भाई, ए डिग्गी वेल, एक गंदे कुएं में, 2 hours ago, 2 घंटे पहले कूद गया था, क्या आएगा? है जम्ड, जम्ड, विल हैव टू जम्ड और जम्ड, यहां पर आएगा आपका बी आंसर, जम्ड इंटू, इंटू लगा लेना इसमें, इंटू इसने छापा नहीं, जम्ड इंटू किसमें? ए में हैज है ना, ए में तो हैज है, बी में तो है, अब वो उन्होंने करेक्ट कर दिया, तो जो जम्प डिट होना वो करना है जहां पर भी है। हाँ तो जम्प डिट टू कौन से में है इसका? ए ए में आपने कौन सा आंसर दिया है? यहाँ हार्ड कॉपी में तो ए में है, जम्प डिट टू है, इसमें है जम्प डिट टू कैसे दे रखा है? ए वाला आंसर है ना, ए वाला दिया है, हाँ जब भी टू ठीक है, तो फिर यहाँ से एज कहाँ से आ गया? ए आंसर है, ठीक है, 11th का ए आंसर है, जब भी टू कर लेना, ए आंसर करेंगे इसका टिक आंसर, आ जाइए आगे, ही टू गार्नर डीजी हाइट, 12th पर आइए, डीजी हाइट उच्च पद गार्नर प्राप्त करना, ड्यू टू हिज लेजी नेचर, उसकी आसी प्रवृत्ति के कारण, तो यहां पर आपका ही आ गया, बताइए क्या आंसर दें? Does not toil, he के साथ does not आएगा, कड़ी मेहनत कर रहा है, 12th का ए आंसर, वो कड़ी मेहनत नहीं करता है उच्च पद पाने के लिए, क्यों? थोड़ा सा आलसी है, लेजी है, लेथार्जिक है, लैंग्विड है, इंडोलेंट है, जो भी है, डोरमेंट है। I have not my vote due to seeing sun, मैंने अपना वोट नहीं डाला है तपती दोपहर के कारण, कास्ट या कास्टेड? कास्टेड या कास्ट, कास्ट इज द राइट आंसर, ये तो घुमाना था मेरे को, कास्ट में ईडी नहीं आता है, जल्दी से ईडी लगता है, ना चाहो तो भी ईडी लगता है, इसीलिए तो लग गया ना। मतलब आपको क्वेश्चन आ रहा था, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग खुलना चाहिए, कास्टेड, आगे चलिए, मतलब दिमाग का यहाँ पर है, दिमाग खुलना चाहिए। माई ब्रदर हिज बिजनेस सिंस क्लोजर लॉस, My brother, his business is closure loss, closure का मतलब भारी नुकसान से ही, अपने व्यापार को क्या कर रहा है? समापन कर रहा है, समापन कर रहा है, has been winding up is the right answer, has been winding up, समापन कर रहा है। He was crying bitterly, you were beating him black and blue, while क्यों आया? रूम नंबर 6 क्यों आया? वाइल के साथ इधर भी 6 उधर भी 6, इज द राइट आंसर। व्हेन आई अनलॉक द डोर, आई ए डेड कैट, सो आएगा या वाज सिंह आएगा? वाज सिंह क्यों नहीं आएगा? मेरी इच्छा करती कि मैं वाज सिंह करूं यहां पर, कि जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे एक मरी हुई बिल्ली दिख रही थी, मैं एक मरी हुई बिल्ली को देख रहा था, आएगा तो ए, लेकिन सी क्यों नहीं आएगा? आएगा तो ए, यू आर राइट, ए आंसर आएगा इसका, लेकिन सी क्यों नहीं आएगा? V2 आएगा, मेरे को सी को कैंसिल करवाना है, किस आधार पे करना है? आपका आंसर सा सही है, लेकिन ये सी को कैंसिल करवाना है एक बहुत जबरदस्त आधार पर, सी नहीं होता, CING फॉर्म में नहीं आता, इसलिए इस कंसेप्ट के आधार पर ये ऑप्शन, तो वो दूसरा कंसेप्ट ठीक है, दैट इज राइट, पर यहां पर कंसेप्ट उल्टा लेके जाओ कि सी कभी भी ING फॉर्म में नहीं आता। आगे चलिए, यू वर कमिटेड हेनस ऑफेंस, तुमने बहुत जो है वो हेनस ऑफेंस कर दिया था,
When the police to arrest you tried, जब पुलिस ने तुम्हें कोशिश की थी, when के साथ जो है आपका जनरली फिफ्थ और फिफ्थ आता है, आपका ए इज द राइट आंसर. हिज वॉन्की मोबाइल एट द चीप यस्टरडे, उसने अपना मोबाइल बेच दिया था कल. क्यों आया सोल्ड? क्यों यस्टरडे आ गया? ये आपका यस्टरडे आ गया. एट प्रेजेंट यू ए टाइटेनिक ट्री, क्यों आया ए? एट प्रेजेंट रूम नंबर सेकेंड फॉर्मूला सेन, स्टिल हो आपका एट प्रेजेंट हो, आपका नाउ हो, आपका नाउ डेज हो, आपका डे बाय डे हो, पांच कंडीशन है तो रूम नंबर सेकेंड. और नेक्स्ट इज यू कन्फेस योर गिल्ट यट,